हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? ऑल गुड, ग्रेट। सो माय नेम इज नम्रता जालगी एंड आई एम फ्रॉम इम्पावर एजुकेशन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इम्पावर ट्यूटोरियल। तो आज का हमारा मैथ्स का टॉपिक है ट्रायंगल्स। वैसे तो इसके पहले भी बहुत बार हम लोगों ने ट्रायंगल्स पढ़ा है, लेकिन आज हम कुछ एडवांस में सीखने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो इंट्रोडक्शन, यू मस्ट हैव लर्न अबाउट द कॉन्ग्रुएंट। सो कॉन्ग्रुएंट होता क्या है? कॉन्ग्रुएंट इज नथिंग बट द टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। फाइन, सो कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं? अगर कोई इमेज है या फिर कोई शेप है जिसकी साइज और शेप दोनों भी क्या है, इक्वल है, मतलब दोनों भी एक दूसरे के हम लोग बोल सकते हैं कार्बन कॉपी है, अगर ऐसे रहेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। लाइक जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। ओके, दीज ट्रायंगल्स आर नथिंग बट द एक दूसरे के एकदम इक्वल है, मतलब उनकी जो साइज दिख रही है वो भी सेम है, जो शेप है वो भी सेम है। साइज मतलब कैसे? यहाँ पे जो हाइट दिख रहा है वो सेम है, इनके जो एंगल्स दिख रहे हैं वो सेम है, इनकी जो यहाँ पे वेट दिख रही या फिर ब्रेथ दिख रही वो भी सेम है। ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे क्या दिख रही, हमें सेम दिख रहे, हाइट ब्रेथ या फिर यहाँ से एंगल सारे जो है यहाँ पे ट्रायंगल पे सेम दिख रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं? कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं। इफ आई टेक अनादर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या दिख रहा है? वी कैन सी हियर टू सर्कल्स। ओके, सो दीज सर्कल्स आर ऑल्सो द कार्बन कॉपी ऑफ ईच अदर। ओके, सो कार्बन कॉपी है मतलब क्या है? देखो यहाँ पे उसका जो रेडियस है दोनों का वो भी सेम है। ओके, शेप तो ऑब्वियसली सर्कल है तो सर्कल का शेप तो सेम ही रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। ओके, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है ये। तो अभी ये हम लोगों ने इससे पहले के साल्स जो है इससे हम लोगों ने पढ़ा है कि हम जो इक्वल यहाँ पे हम लोग जो इक्वल शेप दिखते हैं उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। अभी के इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर फिगर्स। फाइन, सो सिमिलर फिगर्स में क्या होता है? सिमिलर फिगर्स आर नथिंग बट क्या है? टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप नॉट नेसेसरी द सेम साइज आर सेड टू बी सिमिलर फिगर्स। फाइन, तो अभी कैसे होगा? अगर सपोज दो फिगर से, कोई भी दो फिगर से, उसके जो शेप है वो क्या है? एकदम पर्टिकुलर सेम शेप है, मतलब उसके नंबर ऑफ साइड सेम है, उसके एंगल्स सेम है, लेकिन उसका जो साइज है वो डिफरेंट है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया, देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? दो रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं। फाइन, सॉरी आई वुड से दिस इज एज अ स्क्वायर, सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज द स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे दो स्क्वायर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे एक जो स्क्वायर है वो बड़ा वाला, दैट इज नथिंग बट अ लार्ज स्क्वायर आई वुड से, एंड दिस वन इज द स्मॉलर स्क्वायर। ओके, सो ये जो दो स्क्वायर है इनका क्या है? शेप सेम दिख रहा है, लेकिन जो साइज है वो एक की जो है वो बिगर साइज में, दूसरा जो है वो स्मॉलर साइज में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसको हम सिमिलर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई दोनों जो है, अगर इसको मैं सेपरेट आउट कर दूं तो वो क्या दिख रहा है? एक जो स्क्वायर दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है? ये बड़ा दिख रहा है। ओके, रेशियो जो है इसका बड़ा दिख रहा है एज कम्पेयर टू ये जो शेप है उसका, ये छोटा दिख रहा है। फाइन, शेप तो सेम है लेकिन साइज जो है वो डिफरेंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर बोलेंगे। इफ मैंने एक एग्जाम्पल लिया अभी सर्कल का, तो यहाँ पे देखिए दो सर्कल्स भी दिख रहे हैं हमें। फाइन, ये जो दो सर्कल्स है, अभी ये जो सर्कल है ये बाहर वाला जो सर्कल दिख रहा है, दैट इज द रेडियस इज बिगर देन दिस सर्कल। ओके, उसका जो रेडियस दिख रहा है हमें वो ऑब्वियसली ये जो सर्कल दिख रहा है अंदर वाला इससे बड़ा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सिमिलर बोलेंगे। वी कांट से इट एज अ कॉन्ग्रुएंट्स, ओके, बिकॉज दे आर नॉट सेम इन साइज ऑल्सो, मीन्स दे आर सेम इन शेप बट नॉट सेम इन साइज, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सिमिलर फिगर्स। फाइन, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सिमिलर फिगर्स। सो वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट द सिमिलर फिगर्स नॉट नीड टू बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, कॉन्ग्रुएंट फिगर ऑब्वियसली वो सिमिलर हो सकती है क्योंकि उसका शेप तो सेम ही है ही, और उसके साथ साइज भी सेम है उसका, लेकिन सिमिलर फिगर्स में क्या है? शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, इसके वजह से हम लोग उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी
congruent. Okay. Now next. Now here there is have one polygon. A, B, C, and D. And here there is another polygon P, Q, R, S. ओके सो ये जो दो पॉलीगॉन दिख रहे हैं तो क्या ये सिमिलर है? कैन वी से दीज टू फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स? एंड इफ यस हाउ कैन यू डिफाइन दैट कि ये सिमिलर फिगर है? ये अगर आपको बताना है तो आप कैसे बताओगे कि ये सिमिलर ही है? हाँ मैम ये सिमिलर ही है, आप कैसे बोलोगे? ओके फॉर दैट व्हाट वी विल चेक, वी विल चेक फर्स्ट ऑफ ऑल द शेप. करेक्ट, शेप देख रहे हैं हम लोग. वो जो शेप दिख रहा है वो पॉलीगॉन का है. ओके ग्रेट. देन आफ्टर दैट व्हाट वी विल सी द नंबर ऑफ साइड्स. नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं यहाँ पे? ए, दो, तीन और चार. यहाँ पे चार साइड्स दिख रहे हैं. तो ये क्या दूसरे इसमें भी चार ही साइड्स हैं? तो यहाँ पे भी देखिए एक, दो, तीन, चार. सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या है? चार ही साइड्स हैं. तो ये जो हो गया, हाँ भाई ये तो दोनों के नंबर ऑफ साइड्स तो अभी ठीक है. फिर यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे? उसके बाद एंगल चेक करेंगे. बिकॉज एंगल अगर थोड़ा भी यहाँ से कुछ गलत हो गया, सपोज यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ किया ऐसे कुछ, तो अगर ये हुआ, ये जो अभी ये जो शेप दिख रहा है ये भी शेप क्या है? ये भी सेम ही है. मतलब यहाँ पे भी हम लोगों को फोर ही साइड्स दिख रहे हैं. लेकिन अभी देखिए ये जो शेप है और ये शेप है ये डिफरेंट है, क्योंकि जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल्स बना रहे हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम दिस एंगल्स. करेक्ट. सो हम लोग फर्स्ट क्या चेक करते हैं कि शेप जो है उसके नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? नंबर ऑफ साइड्स फोर ही है, दोनों के यहाँ पे फोर ही है. लेकिन उसके बाद हम लोग क्या चेक करने वाले? हम लोग एंगल भी चेक करने वाले कि बाबा जो एंगल हम लोग देख रहे हैं क्या वो एंगल सिमिलर है. तो यहाँ पे देखिए बी सी और ए बी में जो एंगल बन रहा है क्या यही एंगल यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है हमें पी क्यू एंड क्यू आर में? ऑफकोर्स दे आर सेम. फाइन, यहाँ पे सेम एंगल है. उसके बाद यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि ए बी और ए डी में जो एंगल है क्या वो सिमिलर, क्या वो सेम है? सिमिलर नहीं या सेम, इक्वल एंगल चाहिए. सो इक्वल है पी क्यू एंड पी एस से? यस, ये जो है वो इक्वल है. फिर उसके बाद ए डी एंड ए सी का जो एंगल है क्या वो सेम है पी एस और एस आर से? यस, दिस इज सेम. और उसके बाद जो आ रहा है अपना लास्ट वाला एंगल डी सी एंड ए बी सी बी में, वो क्या सिमिलर सेम है एस आर और आर क्यू से? यस, दिस इज ऑल्सो सिमिलर. सो वी कैन से इट दिस इज एज द सिमिलर फिगर. ओके, सो सिमिलर फिगर हम लोग इसको बोल सकते हैं. ओके clear all these things, then we will proceed. Fine, so just clear. Okay, fine. So now I'll take another example of photographs. ओके फोटोग्राफ्स. अभी हम लोगों का फोटोग्राफ्स तो डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते ही है कि बाबा कोई फोटोग्राफ निकालने के लिए जाओ. अभी हम लोग स्टूडियोज में जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हम लोग पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करने के लिए जाते. तो जब हम लोग पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करने जाते हैं वहाँ पे कैसे रहता है? दैट टाइम व्हाट यू सी ये नंबर ऑफ कॉपीज वहाँ पे बने हुए रहते हैं, कि उन्होंने इसे शेप दिया हुआ रहता है शेप कि ये इतने साइज का है, फिर उससे छोटा है, फिर और छोटा है. फिर आप लोग बोलेंगे उनको कि मुझे पासपोर्ट साइज वाला एक फोटो निकालना है, तो वो देंगे. फिर अगर आप लोग उनको बोलेंगे नहीं मुझे ना ऐसे ऐसे फॉर्म भरना है, तो वो फॉर्म के लिए ना मुझे उतने साइज का फोटोग्राफ चाहिए, तो वो क्या करेंगे? वही फोटो आपको कन्वर्ट करके वो शेप में दे, वो साइज में दे देंगे. ओके, मतलब क्या करते हैं वो साइज से जो है वो क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं. मतलब आपका फोटो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन उसका जो साइज है वो चेंज हो रहा है. वो साइज कैसे चेंज कर रहे हैं? तो एक पर्टिकुलर रेशो में वो क्या कर रहे हैं? उसका साइज जो है वो क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं. ओके, सो मतलब अभी गए आप वहां पे, आपको दिख रहा है अभी जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को तीन फोटोज दिख रहे हैं. यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट फोटो, दीज थ्री फोटोज आर सेम. ओके, जो पिक्चर है वो सेम है. एक फ्लावर दिख रहा है यहाँ पे भी, वही सेम फ्लावर है, यहाँ पे भी सेम फ्लावर है.
लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो ये जो साइज है पिक्चर का, ये साइज इससे बड़ा है। फाइन, मतलब जो साइज यहाँ पे आ रहा है वो साइज क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये इस पिक्चर का साइज इस पिक्चर से बड़ा है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, दिस इज सिमिलर फोटोज। ये जो साइज दिख रहा है, ये जो पिक्चर है वो भी सेम है, लेकिन इसका साइज जो है वो क्या हो गया, अभी फिर से यहाँ पे उसका रेशियो क्या हो गया, कम हो गया। फाइन, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, साइज रिड्यूस कर रहे हैं, या फिर हम लोग यहाँ से यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो साइज क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर रेशियो में ही उसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। फाइन, सो हम लोग यहाँ पे देखिए पिक्चर तो चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ उसका साइज जो है वो चेंज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर रेशियो में। इसे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको भी हम लोग सिमिलैरिटी बोल सकते हैं। अभी सपोज अगर मैंने इसे बोला कि ये जो यहाँ पे एक पप्पी दिख रहा है, फाइन दिस इज नथिंग, एक 2-4 महीने का पप्पी है शायद ये, तो यहाँ पे मैंने ये पप्पी का एक पिक्चर ले लिया। ये यही सेम पपी है जो कि यहाँ पे अभी उसका सपोज ये 4-5 साल का हो गया, और अभी मैंने उसका एक पिक्चर ले लिया, और अभी दोनों जो पिक्चर है वो क्या है, उसका साइज जो है वो सेम है। फाइन, उसका जो साइज है वो सेम है, लेकिन क्या वो सिमिलर है, क्या मैं बोल सकती हूँ कि उसके वो जो दोनों है वो सिमिलर की फोटो है? ऑफकोर्स नॉट। ये जो साइज दिख रहा है हमें, दो वो सेम साइज के फोटोग्राफ से, फिर भी जो पप्पी है वो क्या हो गया, यहाँ पे वो पप्पी जो है वो डिफरेंट हो गया, मतलब पहले वो पप्पी था, अभी वो क्या हो गया, उसका बड़ा वाला डॉग बन गया। ओके, दो दे आर सेम, तो वो क्या, उसे क्या कह सकते हैं हम लोग, दो देर साइजेस आर सेम बट दे आर नॉट सिमिलर। फाइन, तो अभी हम इससे क्या बोल सकते हैं कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड सेकेंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। फाइन, सो जैसे मैंने बोला हमें क्या देखना है, एक तो हमें नंबर ऑफ साइड्स चेक करनी है, एक हाथ शेप है एक हाथ पॉलीगॉन है, जिसकी हमें नंबर ऑफ साइड चेक करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर वो इक्वल है तो हम लोग सेकेंडली क्या चेक करने वाले, उनके बीच में का एंगल, जो कि हमें क्या चाहिए, सेम चाहिए उन। ओके, सो जो एंगल है वो सेम चाहिए, और जो रेशियो है साइड्स में का जो रेशियो है वो भी क्या चाहिए हमें, इक्वल रेशियो में उसका क्या चाहिए, एक तो वो इंक्रीज होना चाहिए या फिर डिक्रीज होना चाहिए। सो जो साइड्स का रेशियो है वो भी हमें क्या चाहिए, सिमिलर चाहिए और सेम चाहिए। फाइन, सो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सिमिलैरिटी बोलेंगे। ओके, सो वो जो है वो हम लोग बोल सकते हैं वो शेप सिमिलर है। फाइन, सो टू डिस्कस मोर अबाउट दैट वी विल प्रोसीड। सपोज यहाँ पे एक एक्टिविटी है। फाइन, अभी ये एक्टिविटी में देखो, अभी बिफोर स्टार्टिंग द एक्टिविटी मुझे एक बात बताओ, आपके घर पे कभी पार्कट हुआ है? ऑफकोर्स हम इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ पे पार्कट होना तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ये होता ही है, महीने में एक बार तो होता ही है हमारे यहाँ पे। इफ यू आर लिविंग इन मेट्रो सिटी देन, अगर आप ऐसे कोई छोटे वाले शहर में रहोगे तो वो तो फिर बहुत बार होता रहता है। सो पार्कट के टाइम पे क्या होता है, वी ब्लो सम कैंडल्स। ओके, मतलब रात को पार्कट होगा तो हम लोग कैंडल्स ब्लो करते हैं, वो क्यों, क्योंकि हमें लाइट चाहिए ऑब्वियसली। सो दैट टाइम जब हम लोग वो कैंडल्स के सामने खड़े रहते हैं, हमारा एक शेडो होता है हमारे पीछे के साइड पे, करेक्ट? मतलब हम लोग अगर ट्रायंगल एक कैंडल जलाए, वो कैंडल के सामने खड़े हैं। ओके, यहाँ पे सपोज कैंडल है, उसके सामने मैं खड़ी हूँ, तो मेरा जो शेडो है मेरे पीछे आएगा। दैट शेडो इज नथिंग बट लाइक सिमिलर शेप ऑफ माइंड। ओके, वो क्या करेगा, मेरी जैसी बॉडी स्ट्रक्चर है वैसा ही एकदम सिमिलर शेप मेरे पीछे बनाता है। ओके, और वो जो साइज है वो क्या साइज मेरी सेम रहेगी क्या उस शेडो के साथ? नहीं, जैसे आप वो जो मोमबत्ती है या फिर वो कैंडल है वो आगे पीछे करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, उसका जो शेप है वो क्या होगा, एक तो बढ़ता चला जाएगा या फिर कम होता चला जाएगा। फाइन, दैट इज वॉट आर दिस एक्सपेरिमेंट अबाउट। फाइन, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, एक एक्टिविटी करनी है। अभी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है यहाँ पे, जैसे कि दिख रहा है एक बच्ची खड़ी है अपनी मम्मा के साथ, शायद हम लोग इसको अभी साड़ी वाड़ी पहनी है तो मम्मा ही बोलेंगे। सो उसके मम्मा के साथ खड़ी है। फाइन, तो ये यहाँ पे बच्ची है, उसने एक साइड पे ये फ्रेम पकड़ा है, अनादर साइड पे उसकी मम्मा ने यहाँ पे फ्रेम पकड़ा है। फाइन, तो ये जो है अभी देखो यहाँ पे ये फ्रेम जो है ये एक रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है,
और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, बल्ब दिख रहा है, फाइन, जो अपना लाइट वाला जो कैंडल रहता है वो बल्ब, वो यहाँ पे ऐसे टॉप पे लगा हुआ है। और यहाँ पे एक टेबल दिख रहा है हमें, वो टेबल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक ये बच्ची और यहाँ से उसकी माँ ने होल्ड किया है वो फ्रेम को, और वो क्या कर रही है, यहाँ से ऐसे शेडो ले रही है उसका, फाइन, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, उसका शेडो दिख रहा है। सो अभी देखिए, इफ आई कंसिडर, ओके, यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे अभी उसको नेमिंग कर दिया, फाइन, मैंने जो कैंडल है उसको दे दिया ओ, ओके, फिर यहाँ पे जो फ्रेम है उसको भी नेमिंग कर दिया ए बी सी डी के साथ, तो जो मुझे शेडो मिल रहा है उसको भी मैं नेमिंग करूंगी, तो उसको नेमिंग में क्या करूंगी, अभी सपोज ये ए के नीचे आ रहा है इसलिए मैंने उसको ए डैश बोल दिया, फिर बी डैश बोल दिया, सी डैश बोल दिया और डी डैश बोल दिया। ओके, सो इफ यू सी दिस, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि ये जो लाइन है, अभी सपोज मैंने ओ से कंसिडर किया, यहाँ पे ओ जो है, यहाँ पे ओ से सपोज मैंने ये लाइन कंसिडर कर दिया ए तक, फाइन, सो यहाँ से ओ से आ रहा है ए तक, और ए फिर लाइन जो यहाँ पे ए डैश दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कैन से, ए डैश इज लाइंग ऑन ओ ए, ओके, ओ ए का जो लाइट आ रहा है उसके ही आगे जाके ये जो ए डैश है वो लाई कर रहा है इस पे, फाइन। उसके बाद सिमिलर टू बी, बी डैश लाइज ऑन ओ बी, आई कैन से दिस, देन आफ्टर दैट इफ आई डू दैट, इफ आई कंसिडर हियर, सो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है हमें, ओ टू सी वाला एक रे दिख रहा है, और ओ टू सी वाला जो रे है उसके ही बाद में उससे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होके यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, सी डैश दिख रहा है, सो आई कैन से सी डैश लाइज ऑन ओ सी रे, फाइन, यहाँ पे भी सेम, फिर डी डैश के साथ भी सेम ही हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर एंगल में ही और एक पर्टिकुलर शेप में ही वो क्या हो रहा है, हमें शेडो मिल रही, सो दिस इज नथिंग बट हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे हमें मिल रहा है एक सिमिलर शेप, किसका, ये फ्रेम का, फाइन, सो ये एक्टिविटी फॉर दिस ओनली कि सिमिलर शेप होते क्या है। एक्चुअल में हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट बहुत बार हमारे घर पे किया है, हम लोग मस्ती मजाक में करते रहते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट कि हम लोग हाथ से ऐसे बना के वो शेडो ऐसे देखते रहते, सो ये क्या कर रहा है, इसका ऐसे सिमिलर शेप वो शेडो क्या करता है, मतलब वो जो लैम्प है, जैसे कि लाइट का एक प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है, रेज क्या करता है, यहाँ से पास नहीं होने देता, उसका शेडो पास करता है, फाइन, सो यही यहाँ पे हो रहा है कि उसका क्या कर रहा है, वो शेडो पास कर रहा है, ओके, वो रेज जो हो रही है यहाँ पे कट हो रही है, यहाँ से वो जो है उसका शेडो पास हो रहा है, वो ये यहाँ पे भी फ्रेम के साथ हो रहा है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ऊपर की साइड पे फ्रेम है और नीचे की साइड पे उसका शेडो बन रहा है, दैट इज नथिंग बट द सिमिलर, फाइन, सो दिस इज आवर एक्टिविटी नंबर वन। ओके, नेक्स्ट, सो नेक्स्ट आई हैव वन एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि अगर सिमिलैरिटी हम लोगों को डिस्कस करनी है, हम लोगों को अगर सिमिलैरिटी डिफाइन करनी है तो हम लोगों को फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा, उसके एंगल्स जो है वो सेम है क्या, वो देखना पड़ेगा, और सेकेंडली जो नंबर ऑफ साइड्स है वो नंबर ऑफ साइड्स क्या चाहिए, एक दूसरे के साथ रेशो जो है वो मेंटेन करना चाहिए, ओके, सेम रेशो चाहिए, मतलब जो साइड के रेशोज हम लोग निकाल रहे हैं वो कैसे चाहिए, सेम चाहिए, दीज बोथ थिंग्स वी हैव टू कंसिडर वाइल वी आर डिफाइनिंग द सिमिलैरिटी ऑफ एनी शेप, फाइन, सो यहाँ पे हम लोगों को वही करना है। देखिए यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, दो शेप हमें दिख रहे हैं, फाइन, सो यहाँ पे दो शेप दिख रहे हैं, दोनों भी शेप है वो क्या है अभी, जो वैसे दिखने के लिए तो सिमिलर ही दिख रहे हैं, लेकिन पहले हमें चेक क्या करना है, उनके नंबर ऑफ साइड्स, सो नंबर ऑफ साइड्स के क्या है, यहाँ पे एक दो तीन चार, यहाँ पे भी है सिमिलर एक दो तीन चार, सो यहाँ पे दिख रहे हैं चार नंबर ऑफ साइड्स है, तो ऑब्वियसली ये तो हो गया, ये अपना कंडीशन पास हो गया, देन सेकेंड कंडीशन क्या है उसका, सेकेंड कंडीशन है अपना यहाँ पे कि हम लोगों को एंगल्स चेक करने, सो नाउ एंगल्स वी हैव टू चेक, यहाँ पे देखिए ए डी और ए सी में जो एंगल है वो 85 डिग्री है, तो यहाँ पे उसका सिमिलर साइड कौन सा दिख रहा है, वो ये वाला दिख रहा है पी एस एन,
SR, तो यहाँ पे इसका भी साइड जो एंगल है वो क्या दिख रहा है, 85, मतलब बाबा ये तो चलो ये हो गया अपना सिमिलर, फाइन। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डी टू सी और डी से बी तक जो एंगल बन रहा है दैट इज नथिंग बट 70 डिग्री, सॉरी फाइन। सो यहाँ पे जो दिख रहा है दिस इज नथिंग बट द 70 डिग्री का एंगल, फाइन। सो यहाँ से यहाँ तक मतलब पी एस आर टू आर क्यू वाला जो एंगल है क्या वो भी 70 डिग्री है? हाँ भाई वो भी 70 डिग्री है, तो ये भी हो गया उसके साथ। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे ये पी क्यू और पी क्यू और क्यू आर का एंगल, ये जो है वो 100 डिग्री दिख रहा है, तो क्या यहाँ पे भी एंगल जो है वो ये भी 100 डिग्री है ए बी और बी सी में का? यस दिस इज ऑल्सो 100 डिग्री एंगल। और ये जो लास्ट वाला एंगल बचा है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे 105 डिग्री दिख रहा है, देन यहाँ पे भी 105, सो ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो इज सिमिलर। ओके देयर आई वुड से दिस इज दिस ऑल एंगल्स आर सेम और इक्वल टू ईच अदर। नाउ हम लोगों को अभी एंगल का हो गया, मतलब हमारे दो कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो गए। फर्स्ट तो नंबर कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, तो वो 4 है। फिर एंगल सेम है क्या या इक्वल है क्या, यस ऑफ कोर्स दे आर इक्वल। सो अभी लास्ट कंडीशन जो बचा है वो क्या है कि हम लोगों को रेशियो चेक करने हैं। सो रेशियो कैसे चेक करेंगे? सो देखिए यहाँ पे अभी रेशियो चेक करने मतलब सपोज मैंने ये साइड देन आफ्टर दैट दिस साइड एंड दिस साइड देन दिस साइड एंड दिस साइड ये और यहाँ पे ये साइड, ओके। सो ये जो है वो मुझे सिमिलर साइड्स लग रही है, तो मुझे अभी क्या करना है उसके जो रेशियोज है वो देखने। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखूंगी ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे 2.1 डिवाइडेड बाय 4.2, मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें 1/2, ये मिल गया हमें रेशियो किसका, ये जो फर्स्ट वाली साइड से उनका। ओके अभी मुझे चेक करना है कि क्या ये 1/2 वाला रेशियो है, क्या ये 1/2 सेटिस्फाई कर रहा है हर एक साइड के लिए। सो लेट जस्ट चेक, तो दूसरा वाला साइड कौन सा है, डी सी अपॉन एस आर। सो डी सी का क्या है 2.4 डिवाइडेड बाय एस आर 4.8, सो दिस इज ऑल्सो नथिंग बट 1/2, फाइन। आफ्टर दैट आई चेक फॉर ए बी अपॉन पी क्यू, सो दिस इज ऑल्सो 1.5 डिवाइडेड बाय 3, सो 1/2, एंड आफ्टर दैट सी बी अपॉन आर क्यू, सो दिस इज ऑल्सो नथिंग बट वॉट वुड आई से 2.5 अपॉन 5, दैट मीन्स 1/2। सो हियर द रेशियोज आर ऑल्सो इक्वल। सो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि ये जो फिगर से दे आर सिमिलर टू ईच अदर। ओके तो क्या क्या याद रखना है हमें, पहले तो हमें क्या चेक करना है उसके नंबर ऑफ साइड्स चेक करने, फिर उसके बाद क्या चेक करना है उसके जो एंगल्स है क्या वो इक्वल है वो चेक करना है, और तीसरा क्या चेक करना है जो उनके साइड्स के रेशियो है क्या वो इक्वल है। ओके द रेशियोज ऑफ द साइड्स आर इक्वल और नॉट। सो ये तीनों भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हमें क्या मिलेगा, वो जो लाइन वो जो फिगर है वो फिगर सिमिलर है ईच अदर, फाइन। सो नेक्स्ट नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स, मैंने यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स बनाए हैं, फाइन। सो फिलिंग द ब्लैंक्स में देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। बताइए इसका जवाब मुझे बताइए, आप कमेंट बॉक्स में भी जाके कमेंट कर सकते हैं इसके लिए। ओके आई एम वेटिंग, फाइन। सो ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, ऑफ कोर्स ऑल सर्कल्स आर सिमिलर बिकॉज कॉन्ग्रुएंट बोले तो उसका जो रेडियस है वो सेम होना चाहिए, ऑल सर्कल्स का रेडियस जो है वो सेम नहीं होता है। ओके सो इसके लिए वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। नाउ ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट,
ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो सिमिलर। तो यहाँ पे ये जो है वो सिमिलर है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या लिखे थे, थर्ड वन, व्हाट इज दैट, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेल्स और इक्विलैटरल, विच ट्रायंगल्स आर सिमिलर्स। सो ये आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ, तो ये आंसर मुझे आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके दीजिए कि विच ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद जाके वहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर इसका आपको देना है, तो फिर मैं समझूंगी कि आपको सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स समझा है या नहीं, वो मुझे समझ में आएगा। फाइन, सो इसका आंसर आप लोग मुझे देने वाले हो। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज स्टेट वेदर फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। फाइन, सो अभी जैसे हम लोगों ने इससे पहले सॉल्व किया था, वैसे ही हम लोगों को अभी ये क्वाड्रिलेटरल्स के लिए सॉल्व करना है। फाइन, सो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दो क्वाड्रिलेटरल है। सो क्वाड्रिलेटरल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, एक दो तीन चार, यहाँ पे भी सेम एक दो तीन चार साइड्स है। फाइन, सो वो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि उनका जो एंगल है वो क्या चाहिए हमें, इक्वल एंगल में चाहिए। तो यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं, यहाँ पे एंगल जो बना है वो डिफरेंट है। ये जो दिख रहा है हमें ए बी सी डी वाला, ये जो है वो कैसे राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल शेप बने हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये जो है राइट एंगल्स है, और यहाँ पे ये जो एंगल्स दिख रहे हैं दैट इज नॉट राइट एंगल्स। ओके, ये कुछ तो एक्यूट एंगल दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो एंगल दिख रहा है वो भी डिफरेंट है, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट एंगल। फाइन, सो ये जो एंगल्स है मतलब जो अपना सेकेंड कंडीशन है ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। और हमारा थर्ड कंडीशन जो है वो थर्ड कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं, रेशोज देखते हैं। फाइन, तो रेशोज यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 1.5 1.5 1.5 1.5, और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे रेशो जो है वो क्या आएगा, यहाँ पे रेशो जो है वो सेम आएगा, हर एक साइड का रेशो सेम आएगा। बट जो सेकेंड कंडीशन है और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते, दैट इज नथिंग बट द एंगल वाला कंडीशन। वो क्या कर रहा है यहाँ पे, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। दैट इज व्हाई व्हाट वी कैन से, दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर फिगर्स। ओके, ये जो है वो डिफरेंट फिगर्स है, दो दे हैव द फोर साइड्स एंड रेशियोज ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल, बट स्टिल दे आर नॉट सिमिलर फिगर्स। वाई? बिकॉज देर इज हैव अ डिफरेंस इन देयर एंगल्स। फाइन, सो इसके लिए ये जो है वो हम सिमिलर फिगर्स नहीं बोलेंगे इसको। फाइन, नेक्स्ट, अभी यहाँ तक तो हम लोगों ने देखा कि सिमिलैरिटी क्या होती है कोई भी शेप के लिए, लेकिन अभी हमारे चैप्टर का नाम ही ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली हमें किसकी सिमिलैरिटी के बारे में स्टडी करना है, सो ट्रायंगल की सिमिलैरिटी। फाइन, तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में हमें कुछ कंडीशंस है जो कि हमें सेटिस्फाई करनी है। ओके, सो यहाँ पे ऑब्वियसली कंडीशंस आर द सेम, फर्स्ट देयर आर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। फाइन, अभी ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसमें तीन साइड्स रहेंगे, तो वो तो कंडीशन अभी यहाँ के लिए वैनिश हो जाता। सो दो कंडीशंस तो जो बचती है वो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। फाइन, सो जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज नथिंग बट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मीन्स हम लोग पहले क्या चेक करने वाले, उसके जो एंगल्स है वो क्या करेंगे, वो सिमिलर है या नहीं, वो चेक इक्वल है या नहीं वो चेक करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो नॉट, जैसे कि हम लोगों ने अभी इससे पहले के एग्जाम्पल में किया कि हम लोगों ने रेशियो चेक किया था साइड्स का, ये रेशियो सेम है या नहीं, वैसे ही हम लोग क्या करने वाले, उसको यहाँ पे ट्रायंगल्स का भी साइड्स का रेशियो चेक करने वाले, वेदर दे आर हैव सेम रेशियोज और नॉट। ओके, सो ये अगर दो कंडीशन उन्होंने सेटिस्फाई करनी तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं। फाइन, सो इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ए टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन आर नोन एज इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। सो अगर दो एंगल मतलब दो ट्रायंगल्स के एंगल्स जो है वो क्या रहेंगे, इफ इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल,
जो दो ट्रायंगल लेंगे उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स लेंगे, अगर वो क्या रहेंगे, अगर वो सिमिलर रहेंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स, हम लोग उसको बोलेंगे इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। फाइन। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर टू। फाइन। सो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल देखने के लिए हमें एक सेकेंड एक्टिविटी करनी है। सेकेंड एक्टिविटी कैसे करेंगे, देखिए अभी यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, एक रे दिख रहे हैं, सपोज रे टाइप का यहाँ पे एक लाइन बनाए जो कि ए टू एक्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके लिया है, और फिर यहाँ पे ए टू वाई ऐसे दो लाइंस बनाए। ओके, एक जो जा रही है वो ऐसे इंक्लाइन जा रही है, एक जो जा रही है वो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है। फाइन। और यहाँ पे मैंने इक्वल रेशियो पे पी क्यू डी आर बी ऐसे 5 पॉइंट्स बनाए जिनका जो इक्वल डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। फाइन। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे ना डी टू ई मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। फाइन। डी से निकल कर ई तक जाने वाला एक लाइन निकाला जो कि पास कर, जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ए वाई पे उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। फाइन। यहाँ पे ई जो दिख रहा है दैट इज नथिंग बट इंटरसेक्टिंग पॉइंट टू ए। फाइन। सो यहाँ पे एक मिल गया हमें, और फिर उसको ही पैरेलल यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पैरेलल वाला दूसरा लाइन बना दिया। फाइन। तो अभी यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे कंसिडर किया कि ये एक ट्रायंगल दिख रहा है दैट इज नथिंग बट ए डी ई, ये ट्रायंगल बन गया। फाइन। अभी ये जो है इक्वल रेशियो में यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो है ये जो शेप दिख रहा है, ये लाइन जो है वो जो रेशियो है वो सेम है, मतलब जो साइड का रेशियो है वो सेम आएगा। फाइन। सो ये एक कट पर्टिकुलर रेशियो में उसको फिर से मैंने बी से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये जो लाइन है ये पैरेलल है किसको, बी सी को, मतलब डी वाली जो लाइन है वो पैरेलल है डी सी को। सो यहाँ पे मैंने फिर से ये जो लाइन है ये ड्रॉ कर ली। फाइन। सो मुझे अभी यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल गया ए बी सी वाला। फाइन। तो मुझे कौन से, मुझे दो ट्रायंगल्स मिल गए, फर्स्ट वन इज ए डी ई एंड सेकेंड वन इज ए बी सी। ओके। सो नेक्स्ट, अभी देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये जो रेशियोज है, AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QD इज इक्वल्स टू DR इज इक्वल्स टू RB। सो यहाँ पे वो ही मैंने लिखा है। और फिर सपोज अब भी AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू 3/2। वाई 3/2, बिकॉज यहाँ पे सपोज अगर मैंने इसका लेंथ 1 यूनिट कंसिडर कर लिया, सपोज मैंने AP का लेंथ 1 यूनिट कंसिडर कर लिया, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। सो यहाँ ए से डी तक का डिस्टेंस जो है वो कितना हो गया, 3। सो इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया 3। और उसके बाद ये जो है, अगर ये पोर्शन अगर 1 यूनिट कंसिडर करते हैं, सो ऑब्वियसली यहाँ से डी टू आर का जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, 1 यूनिट, और फिर यहाँ से आर टू बी का डिस्टेंस जो रहेगा वो 2 यूनिट। सो 1 एंड 2। फाइन। सो ये हो गया यहाँ पे 3/2। ओके। सो यहाँ पे हमें ये रेशियो मिल गया 3/2। नाउ मेजर ए ई एंड ई सी। अभी ये तो हम लोगों को रेशियो मिल गया ए डी और डी बी का, अभी हम लोगों को मेजर क्या करना है, ए ई और ई सी, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, हमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो ट्रायंगल्स है ये क्या सिमिलर है ये देखने के लिए हम लोग ये सारी प्रोसीजर कर रहे हैं। तो पहले तो हम लोगों ने ये रेशियो निकाला कि 3/2 का रेशियो आया, तो क्या सेम रेशियो यहाँ पे भी आ रहा है, ये हमें चेक करना है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, AE और AC जो है वो भी क्या मिल रहा है, हमें सिमिलर ही मिल रहा है। क्यों सिमिलर मिल रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है ये पैरेलल है किसे, इसे। सो ये जो दोनों लाइन है वो पैरेलल है, सो बिकॉज ये पैरेलल है तो जो डिस्टेंस यहाँ पे वो मीन्स जहाँ से ये डी टू बी का डिस्टेंस है, वैसे ही डिस्टेंस हमें वही रेशियो में यहाँ पे भी डिस्टेंस मिलने वाला है। ऑफ कोर्स बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर, इसका मतलब क्या हो गया कि AE और EC का जो रेशियो है वो भी क्या है, 3/2 ही आने वाला है।
फाइन, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये जो दो लाइन है वो पैरेलल है, और वो पैरेलली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पास कर रहे हैं ए वाई लाइन को. सो बिकॉज दे आर पैरेलल, जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो भी क्या बन रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे बन रहे हैं. तो इसके लिए ये हम लोग बोल सकते हैं कि उसका रेशियो भी क्या है, 3/2 है. फाइन, सो दस यू कैन सी दैट इन ट्रायंगल एबीसी डी डी इज पैरेलल टू बी सी. यहाँ पे डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ए अपॉन ई सी. फाइन, सो हमें यहाँ पे सेम रेशियो भी मिल गए हैं. सो क्या हम इसको कोइंसिडेंस बोल सकते हैं? इज दैट अ कोइंसिडेंस? क्या ये कोइंसिडेंस है क्या, अभी हमें ऐसे रेशियो मिल रहे हैं, या फिर ये पैरेलल है, या फिर ये जो भी है, क्या ये कोइंसिडेंस है, इसके वजह से हमें 3/2 का जो रेशियो मिल रहा है वो मिल रहा है, मतलब दोनों है वो इक्वल रेशियो में मिल रहे हैं? तो ऑफ कोर्स नॉट, वो ये कोइंसिडेंस नहीं है. सो आंसर इज नो. सो ये क्या है बाबा? तो ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. फाइन, सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो कि हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में.